मेरे साथ यहां पर मौजूद है तालियों के साथ महार महादेव के उद्घोष के साथ स्वागत करिए माधवी लता जी का माधवी लता जी आपका अभिनंदन है शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव शंभो शंकर सांब सदा शिव हर घर शंकर जय जय शंकर हर घर शंकर जय जय शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव शंभो शंकर सांब सदा शिव 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 शंकर घर घर शंकर शिव शिव शंकर घर घर शंकर शंभो शंकर सांब सदा शिव शुंभो शंकर सांब सदा शिव महादेव और हर हर महादेव की जय और माधवी लता जी का जोरदार अभिनंदन है असाउदी रोवेसी को उन्हीं के घर में टक्कर देने वाली माधवी लता जी का अभिनंदन है माधवी लता जी छह चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं सातवां चरण है और वो काशी का चरण चरण है हाँ जी। क्या आपको लगता है चार सौ पार का नारा क्योंकि असाउदी ओवेसी कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भस्म भी धारण करेंगे डमरुक भी हाथ में लेंगे और बोलेंगे आर, हर, 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 महादेव जी लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आपकी जो एंट्री हुई उसको लेके बड़े सारे सवाल हुए और जिसे कहते हैं ग्रैंड एंट्री हुई लेकिन आपने भी चुना तो जैसा हाँ भैया हमने सच्चाई को छुपाने वालों को चुना है अन्याय करने वालों को चुना है झूठ के ऊपर से पर्दाफाश करने के लिए हमने उस रास्ता चुना है क्योंकि 40 साल से सा उस गढ़ में अन्याय का अलावा वहां का प्रजा ने कुछ नहीं देखा है अगर चुने हैं तो वैसे क्षेत्र चुने हैं अभी दिखा देंगे लेकिन इस बार इस बार मुकाबला कठिन होने वाला है क्योंकि दो लड़के हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भैया मुझे लगता है ये घर जाना भूल गए हैं कहीं भटक गए हैं भोकला गए हैं अम्मा को बुलाइए सोनिया गांधी हाथ तो पकड़कर घर लेके चले जाएंगे एड्रेस दिखा देंगे उनको आप तो ऐसे करिए जैसे वो छोटे बच्चे रास्ता भटक गए हैं अरे वाह बाकी नौजवान हैं भैया जी जब मम्मा किसी को कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौंपती है उनको तो बच्चा ही तो कहते हैं हम तो माँ बाप बच्चों को स्कूल में जाकर के अध्यापक को सौंपते हैं तो वैसी तो हुआ राहुल जी का तो मेरे कहने का मतलब है कि उनको एड्रेस गुम हो गया उनसे जल्दी मम्मा को फोन घुमाइए? जी लेकिन राहुल गांधी रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं पहले तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने मटन बनाना सिखाया प्रियंका जी को और राहुल गांधी जी को जी। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका जी मटन बनाना सिखाएंगे तेजस्वी यादव जी को और मीसा भारती को तो रिटर्न गिफ्ट है ये एक तरह से भैया लगता है ये लोग बहुत अच्छे हॉलिडे मूड में पहले से ये तैयार हो गए क्योंकि जी अभी मैं कहती हूँ सुनिए अक्सर क्या होता है ना जब बच्चे कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखने निकलते हैं तो मम्मा पप्पा बोलते हैं अरे बेटा तू प्लान बी बना ले अपने लिए लगता है राहुल भैया जाएंगे और हार जाएंगे, मेरे से कोई मोटा होटल तो वहां बहुत काम आएगी भैया मटन बनाने का काम लेकिन लेकिन आप आपके चुनाव में भी बड़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई और छह चरण के चुनाव में भी बड़े सारे वाद विवाद हुए लेकिन क्या आपको लगता है ये चुनाव भी करण बनाम पोलराइजेशन की तरफ चला गया जहां पर एक तरफ आप भगवान राम भगवान शिव की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ बात हो रही थी आपकी पार्टी का आरोप था कि मुस्लिम आरक्षण लेकर आ रहे हैं ये ये मंगल छीनने वाली की बात है क्या कहना चाहते हैं भैया मैं पहले एक बात कहती हूं भाजपा ने कभी जात पात और मजहब के नाम से कभी भी ना किसी से वोट मांगा है ना कोई काम इस हिसाब से किया है क्योंकि भाजपा एकमात्र ऐसा पार्टी है जहां पर मुसलमान स्त्रियों का आंसू के लिए ट्रिपल तलाक भी निकाला है उन्होंने और उन्होंने यूसीसी के तहत वो अधिकार भी मुसलमान स्त्रियों को देना चाहते हैं जो आज तक सिर्फ हिंदू औरतों के घर में सहज साधारण से संस्कृति की वजह से हम यहाँ पे लड़की को बड़ी पूजनीय मानते हैं सम्मान देते हैं लेकिन हम मान हमको सबको पता है कि मुसलमान के घर में पुरुष आधिक फैमिलीज होते हैं वहां पे स्त्री का मर्यादा कम होती है इस तहत प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े भाई के नाते एक पिता के नाते मुसलमान स्त्रियों के लिए यूसीसी लागू करने की उन्होंने एक निर्णय ले लिया है इसीलिए प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास देने वाले है मानने वाले है तो पोलराइजेशन बात नहीं है यह सारा देश मैं जब आ रहा था आपके साथ संवाद करने के लिए तो सोशल मीडिया पे एक सवाल आया कि माधवी जी से सवाल जरूर पूछेगा अब आपके समर्थक हैं आपको बहुत प्रेम करते हैं वो लिख देते हैं वो कहते हैं कि अब की बार मोदी आएगा काशी भी बनाएगा यानी काशी में ज्ञानवापी वाला परिसर भी बनाएगा और दूसरा मथुरा भी बनाएगा अब बताइए क्या कहें हम भैया यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम सबको ये जानना है कि हम इस मुद्दे को लोगों को समझाने के लिए दूसरा और मुद्दा भी लेना पड़ता है जैसे कि मैथमेटिक्स में कहते हैं ना लेट एक्स भी दिस तो हम भी और एक निकाल लेते हैं आपके लिए ज्ञान व्यापी जो मंदिर है उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद वहां बनाने वाले हमारे अपने देशवासी पहली बात नहीं है वो मुसलमान हमारे नहीं है वो मुगल है मुगल है मुगल कभी इस देश के नहीं है अब दूसरा मुद्दा ये है हमारे क्षेत्र में हैदराबाद में कई ऐसे हमारे क्षेत्र के मुसलमान बनाए सो मस्जिदों को वहां के राज्य प्रशासन कांग्रेस समझिए बिहार समझिए तोड़कर सचिवालय भी बना लिए तोड़कर एयरपोर्ट भी बना लिए तो ये सारे लोग जो ज्ञान वापी के बारे में मथुरा के बारे में बात करते कहां जाके कहा जाके सोग जाके सो गए लेकिन 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 एक, एक एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा इस समय चुनावी बिसात पर इसकी बात हो रही है क्या आपको लगता है कि आज के दौर के अंदर जिस तरह से चुनावों का मोमेंटम है और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी चार सौ पार आएंगे दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहा है कि हम खटाखट गरीबी हटाएंगे मेरे भैया मैं एक ही बात कहती हूँ खटाखट और घटाघट -गट। हाँ जो खटाखट -गट, घटाघट -गट का साउंड करते करते वो निकल जाएंगे यहाँ से वो कुछ नहीं कर पाएंगे इससे अलावा जो मटन बनाने की बात कहते हैं और जिनको कॉन्स्टिट्युएसी में सौंपा जाता है जिनको स्टेज के ऊपर स्लिप्स दिया जाता है क्या बात करना वो भी सीधा साधा बात नहीं कर पाते हैं जो ये कहते हैं कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में बोर्ड में कौन बैठते हैं कैसा परीक्षा का पत्र बनाया जाता है ये कुछ उनको पता नहीं है और बोलते हैं काले लोग ब्लैक ब्लैक वाले अमेरिका में क्वेश्चन पेपर बनाते कभी आपको एक ढंग का बात राहुल गांधी जी बात करते हुए आपने सुना भैया हमने तो नहीं सुना आपने सुना भैया आपने सुना भैया लेकिन 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 एक बयान मैंने सुना वो नवरीत राणा था उन्होंने बोला पंद्रह सेकंड के लिए पुलिस हटा दीजिए अब चैलेंज दे दिया ब्रदर्स को कि पंद्रह सेकंड के लिए हटा लो पुलिस हाँ तो इनका कहना था भैया वैसे तो आप हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में तो पुलिस को काम नहीं करने देते हो आप वहाँ के प्रशासन से वैसे तो मिल जाते हो आप पुलिस से वैसे ही गलत काम करवा देते हो आप लेडी पुलिस को रखने के बावजूद भी आप परानशी को चक नहीं करते वोटर आईडी तो ने बोला मेरा छोटा भाई भैया मुझे पंद्रह सेकंड का जवाब देने दीजिए जी तो हमारा नवनीत जी का कहना है वैसे तो पुलिस हटे ही बैठेंगे पंद्रह सेकंड दे दीजिए हमारे नौजवान आके बटन दबा देंगे चार सौ पार भी करा देंगे और उस पर okay. भारत भी दिखा देंगे लेकिन 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 ओवेशी जी कहते हैं कि मैंने अपने छोटे भाई को रोक रखा है छोटे ओवेशी को रोक रखा है नहीं तो वो तोप है तोप क्या करेगा अब ये आप बताइए नहीं नहीं मैं एक बात बताऊंगी उन्होंने दो बातें की हैं जी छोटे को रोक रखा है वो तोप है वो शेर भी है पंजा मारेगा अगर वो शेर है पंजा मारेगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत फोन डायल करो भैया जी शेर गांव के बाहर है जंगल के बाहर से गांव में आया हुआ है ऐसा बाहर हुआ शेर को रखना नहीं चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करिए अगर तोप है कुछ अनप काम करने लग गया तो हम कहते हैं डॉक्टर्स को मेंटल अस्पताल को आप फोन कर दीजिए एक एक सवाल एक प्रश्न मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय चुनाव आयोग पहुंच गया है विपक्ष और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पहुंच गया है जो प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की साधना करने वाले हैं वो कह रहे हैं ये भी चुनाव प्रचार का तरीका है भैया इसका मतलब ये है इनको अभी भगवान का ध्यान करने पे पर दिक्कत हो गई इनको तो किस हद तक ये गिर गए किस हद तक ये लोग भोकला गए हैं इनका मानसिक संतुलन इतनी जी, जी, जी। गड़बड़ हो गई कि अभी प्रधानमंत्री जी जब करेंगे तो प्रॉब्लम है ध्यान करेंगे तो प्रॉब्लम है विवेकानंदा जी का मूर्ति के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम है कन्याकुमारी जाएंगे तो प्रॉब्लम है ये कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम इसका मतलब है इनका हार इतनी बदतर तरीके से होने वाला है तो अभी से ये लोग ना वो टेंशन दिखा रहे अपने आपने बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आप टेंशन मत लेना जी लेकिन लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह के जिस तरह से इस चुनाव के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर हिंदू मुसलमान का विषय आया उसको लेकर विपक्ष ने बहुत सारे हमले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप पर बीजेपी पर क्या कहना चाहती हैं आपका एक लाइन का जवाब क्या होगा? सबका साथ सबका विकास मानने वालों में से हैं हम हम देश को मजहब के नाम से बंटवारा करने वाले नहीं हैं हम लेकिन जब जुम्मे की छुट्टी की बात का जिक्र झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो ओवेसी भड़क गए उन्होंने बोला कहे तो हफ्ते में आठ दिन करा दें मोदी अभी असदुद्दीन का क्या जाने का है चालीस साल से बैठे हैं, ना कोई गरीब का तरक्की करे ना कोई पसमंदे का तरक्की करे ना कोई मुसलमान लड़कियों का आंसू पहुंचने की कोशिश करे उनका तो कुछ करना नहीं है चालीस साल से अड्डा बैठ बना के बैठे हुए हैं तो जो है। मुंह में आए बताते रहेंगे ले, लेकिन एक अब माधवी लता की जुबानी भगवान शिव क्या है क्या चाहिए आपको आप आप क्या कहती हैं भगवान शंकर के बारे में महादेव के बारे में क्योंकि महादेव की नगरी है बोलिए हर हर शंकर भगवान का लीला तो इतना बड़ा है हम क्या बताए वो मधुरई में मीनाक्षी जी का पति बनकर उनको हम कहते हैं सुंदरेश्वर पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है मधुरे मीनाक्षी का पति का नाम जो शंकर भगवान स्वयं है उनका नाम है सुंदरेश्वर सोने के गहने डाले हुए एकदम सुंदर इतने बड़े सुंदर आकार पे रहते वही हमारे शंकर भगवान यहाँ पे घाट में भी श्मशान में जलते हुए भस्म में भी रहते हैं वो है शंकर भगवान वहां पे भी है शंकर यहाँ पे भी है शंकर जी 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 वो तो के नाथ हैं। वो सत्य है वो अनंत है वो नित्य है लेकिन लेकिन समझने एक, के लिए एक जन्म बस नहीं है एक सवाल मेरे मन में आया इतने सारे रुद्राक्ष क्यों डाले हुए हैं आपने ये हमारे चाहने वाले पूजा कर, कर हमको बैठे दिए हुए हैं, तो हम उनको मानते में शक्ति है इनके पीछे प्यार में शक्ति है इनके देने वाले आस्था में शक्ति है इसको मानने मेरे में शक्ति है शक्ति को हम कभी तर्क नहीं करते हैं चुनावती नहीं देते हैं शक्ति शक्ति है लेकिन 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 कुछ अगर आप भगवान आप कुछ सुना दीजिए आखिरी चालीस सेकेंड में गम यजाघ सु है सुगंधि पुष्टि उर्वाकम बंधना मृत्योयमृता यो रुद्रो अग्न्यो अवशदीश यो रुद्र विश्वा भुवनात स्म्र यद अष्टो तमुष्टिशुन्वना यो विश्व सक्षिषद यक्ष आ महेशद्रम नमो आवेदेपसरम तवस्या अयस्तौ भगवानयं मे भगवत्तर अयोशिवामत्सन

बहुत बहुत शुक्रिया माधवी लता आपका हमारे मंच पे आने के लिए अपनी बात को रखने के लिए और अपनी बात को इतनी स्पष्टता से रखने के लिए तो 4 जून को क्या होने वाला है लास्ट लास्ट सवाल चार पार होने वाला है क्यों होगा चार सो पार मोदी को तीसरी बार क्यों लाना है क्योंकि वो हर हर मोदी है मोदी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पे आने के लिए और आप सबको मेरा नमस्कार आप सबको मेरा हर हर महादेव आपका इतना पार प्रेम देने के लिए आर पार को